तो बेसिकली आज का व्लॉग ये है कि हम एक ब्रांड है ऑस्मोसा वहाँ पे आए हैं विच इज लोकेटेड नियर CST स्टोर जो कैंट के अंदर है। और इनका बेसिकली जो ब्रांड है ऑस्मोसा, यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ये था जब ये स्टार्ट हुआ एक्चुअल में 2016 से। और जो कॉन्सेप्ट है ब्रांड का वो ये था कि समोसास के अंदर सारी चीजों को सर्व किया जाए। तो इन्होंने समोसास की सेवरीज बनाई, समोसा की डेजर्ट्स बनाई, फिर इनके पास मेन्यू में बार भी है, चाय भी है, डेजर्ट्स भी हैं और स्टार्टर्स भी हैं समोसा से रिलेटेड, फिल्ड समोसास। इन्होंने बाउल्स लॉन्च किए कि समोसास के साथ बाउल्स को बनाया जा सके। तो अब ये माशाल्लाह ब्रांड जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर गया हुआ। अब इसी ब्रांड के आगे 3 सब ब्रांड्स और भी हैं जिनमें इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया जस्ट बर्गर्स। जस्ट बर्गर का कॉन्सेप्ट यह है कि इनके बीफ चिकन बर्गर मिलते हैं। ब्रांड लॉन्च किया विच इज लिंग, जिसके अंदर डम्पलिंग्स मिलते हैं, चिकन डम्पलिंग्स हैं, वेजिटेबल डम्पलिंग्स हैं। फिर इनका एक ब्रांड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दैट इज फाइव आवर्स केयर, जिसके अंदर ये पिज्जा लॉन्च किया है। तो हम चारों ब्रांड की जो स्पेशलिटीज हैं वो बनाते हैं आज, खुद ट्राई करते हैं और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। हमने ऑस्मोसास के अंदर बेसिकली जो इनके बेस्ट सेलर्स हैं उनमें से ऑर्डर किया, इनकी डोरिटोस चाट है जो डोरिटोस के साथ ये बनाते हैं। फिर कैरमलाइज एनिमल बाउल है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें समोसास होते हैं, पास्ता होता है, और एक उन्होंने बाउल्स बना लिया उन सेवरी समोसास के थ्रू। रोजीटो है जो एक रोज की ड्रिंक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फिर इनके डिजर्ट विच इज ब्राउनी आला मोड, जिसके अंदर चॉकलेट फिल्ड समोसास होते हैं और आइसक्रीम के साथ सर्व करके चॉकलेट सॉस के साथ। तो ये चारों चीजें तो बारी बारी इनको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं डोरिटोस चाट बनाने के लिए। उसके लिए ये इन्होंने आलू काट के रखे हुए हैं, आलू ऐड करते हैं, तकरीबन 1 चम्मच आ गया, और ये चम्मच चने आ गए, मसाला ये थोड़ा सा ऐड करते हैं। अब हम इसके अंदर ग्रीन सॉस है ये थोड़ी सी ऐड करते हैं। ये इनकी खट्टी मीठी सॉसेज हैं, ये ऊपर थोड़ी सी टॉप करते हैं। ये जी नींबू, ये थोड़ी सी इसके ऊपर टॉप कर देते हैं। नाचोस हैं, ये थोड़े से ऐड करते हैं। हमारी डोरिटोस चाट रेडी है। हम आते हैं इनकी कैरमलाइज अनियन बॉल की तरफ, जिसके अंदर पास्ता हमने रेडी करना है और समोसा है वो रेडी करने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये पास्ता बनाया हुआ है, हम इस पास्ता को गर्म करते हैं ताकि ये जरा थोड़ा थिन हो जाए। ये कैरमलाइज अनियन समोसा इन्होंने रेडी किए हुए, इनको फ्राई करते हैं। ये एक समोसा आ गया बकेट के अंदर, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, इसको हम फ्रायर के अंदर लेके चलते हैं। तो ये 2 मिनट में भी रेडी हो जाएंगे। मुंगी जी, हम अपने रेडी पास्ता को प्लेट के अंदर लेके आते हैं। जब तक हमारे समोसास फ्राई हो रहे हैं, हमारे समोसास फ्राई हो गए हैं, इनको इस पे प्लेस करते हैं। 1, 2 एंड 3। इन्होंने अपनी सॉस बनाई हुई है विच इज हरी मायो, और इसके अंदर इन्होंने अपनी अपनी ऑब्वियसली रेसिपी बनाई हुई है। और तो आए हम इसको टॉप करते हैं। ये हमारे कैरमलाइज अनियन बॉल रेडी है। तो अब मूव करते हैं रोजीटो की तरफ, जो इनकी बेसिकली स्पेशल ड्रिंक है, सोडा है। तो इसके अंदर सबसे पहले रोज का कवर देने के लिए जामेट्री आएगा, हम इसके अंदर रोज़ ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम एक लेमन लेते हैं, ये देखें कितना बेहतरीन किस्म का लेमन है, हम इसका जूस निकाल देते हैं। लेमन है जी, ये हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। और ये 7-Up है सोडा, जो इसके अंदर ऐड होगा। ये आगे जी लेड, और ये हम इसके ऊपर लगाते हैं। और ये जी देखिए जी, हमारा बेहतरीन किस्म का रोजीटो रेडी है। तो आते हैं फेवरेट पार्ट की तरफ, हम बनाने लगे हैं ब्राउनी आला मोड। मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो ब्राउनी आला मोड है एक ऐसा यूनिक डिजर्ट है, हम लाहौर के अंदर बेस्ट डिजर्ट के 20 डिजर्ट को काउंट करें तो ब्राउनी आला मोड इज वन ऑफ देम, माय पर्सनल फेवरेट। इसके अंदर भी 2 चॉकलेट समोसा जाएंगे, इको की आइसक्रीम होगी और ऊपर चॉकलेट सिरप होगा और डिजर्ट होगा। तो आइए इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं जी। हमारे चॉकलेट समोसा जो है वो फ्राई हो गए हैं ब्राउनी वाला मोड के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया था इको की वनीला आइसक्रीम ऐड होती है। और ये हमारा स्कूप जो है रेडी है, खूबसूरत किस्म का देखें, दिखाया के साथ हम एक और स्कूप निकालते हैं। ये हमारा स्कूप नंबर 2 आ गया। आगे हमारे चॉकलेट समोसा जो हमने फ्राई किए थे, ये एक यहाँ पे रखते हैं और एक हम यहाँ पे रखते हैं। और इसके बाद मोका सॉस है, आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, आप बटर स्कॉच भी यूज कर सकते हैं, मोका भी यूज कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं चॉकलेट चॉकलेट का कॉम्बिनेशन हो तो हम इसके ऊपर मोका थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। तो ये हम
तो जी खाना हमारा आ गया। अगर हम खाने की बात करें तो नॉट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। ये तीनों चीजें, चारों चीजें मेरी फेवरेट हैं, इनकी स्पेशलिटीज, और मैं जब भी आता हूँ इनके रेस्टोरेंट तो मैं ये चारों चीजें जरूर ट्राई करता हूँ। चलें आज ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आज कैसा है और क्या डिफरेंस है। मैं समझ रहा हूँ कि चाट के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उसके अंदर जो सॉसेज यूज की जा रही है उनकी कैसी क्वालिटी हो। तो ये बहुत अच्छा एपेटाइजर है जो कॉम्बिनेशन है डोरिटोस चाट का। इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन, बेहतरीन चीज है। ग्रीन सॉस, व्हाइट सॉस, रेड सॉस का एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। स्वीट भी है, क्रंच भी है, तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कैरमलाइज्ड अनियन बॉल, वेरी डिलीशियस, क्रीमी सा मसाइज अनियन का कॉम्बिनेशन, जो सॉस डाली हमने मोसा का क्रंच, बेहतरीन डिश है ये। समवन इज लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें सारी वर्थ इट हैं उस बंदे के लिए ट्राई करना। की तरफ आते हैं, ये भी बहुत यूनिक ड्रिंक है जो आपको लाहौर में नहीं मिलती, हालांकि बड़ी बेसिक है, बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक है ये। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, मीठे की तरफ। चॉकलेट समोसा था, डिजर्ट शो स्टॉपर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लाहौर के अगर 20 बेस्ट डिजर्ट्स की बात करें तो दिस इज वन ऑफ देम। समोसाज लाहौर के अंदर इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। यूएसपी है, सैम सेवरी है, स्टार्टर्स है, डिजर्ट है, तो दिस प्लेस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज जो कुछ नया ढूंढते हैं। चिकन बर्गर है, हॉट हनी बीफ बर्गर है, अल्ट्रा स्मैश, तो ये दोनों बर्गर प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप चिकन पैटी को फ्रायर में लेके जाते हैं, तो ये हम बास्केट में रखते हैं और इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। ये तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे तो ये फ्राई हो जाएगी। बर्गर रेडी करने के लिए सबसे पहले बंस को हाफ कट करते हैं, तो ये बन आ गए, इन्होंने स्टैम्प किए हुए और ये हमारे बन हाफ कट हो गए। इसको थोड़ा सा बटर लगाते हैं, ये हम बटन को बटन लगा देते हैं ताकि उसका थोड़ा टेस्ट आ जाए। हम थोड़े से ग्रिल अनियन हमने रेडी किए थे साथ साथ बर्गर के अंदर, मीट बर्गर के अंदर ऐड लेना। ये हमारी बीफ की पैटी आ गई, ये एक पैटी तकरीबन 55 ग्राम की है, तो ये एक, दो, तीन और ये चार, इनको हम स्मैश करते हैं। ये हम पैटी को स्मैश कर रहे हैं ताकि जो मीट है वो सही से सारे बीफ को मिल जाए, बस पैटी रहते थे कुक हो जाए। चेंज कर देते हैं, कर देते हैं, ये ब्लैक पेपर आ गया। ये हमारे पास चीज है, ये हाफ का टी भी हमने पहले से, तो ये स्लाइस एक एक हाफ वाला हिस्सा इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। ये हाफ एक और ये इसका हाफ। हम बीफ बर्गर की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। ये बेस सॉस है, इसको लगाते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, इसके ऊपर हम थोड़े से गर्किन ऐड करते हैं। बीफ पैटीज हैं ये, इसके ऊपर हम ले आते हैं और हम ये ग्रिल ऐड कर देते हैं। ये हमारा बना, ये जी हमारा बीफ बर्गर रेडी है। अब हम अपने चिकन बर्गर की तरफ मूव करते हैं। हमारे बंस हैं, सबसे पहले बन की बेस सॉस थोड़ी सी लगा लेते हैं। ये जो पैटी थी हमारी फ्राइड है, अब इसको हम इस सॉस के अंदर टॉस करते हैं। ये हमारी पैटी यहाँ आ गई, हमारी मोज़रेला चीज आ गई, इसके ऊपर एक स्लाइस लगा देते हैं और इसके ऊपर हम हैलापिनोज ऐड करेंगे। ये हमारे को चार हैलापिनोज, हम अपना बर्गर बन कर लेते हैं। हमारा बेहतरीन करके चिकन बर्गर भी रेडी है जी। हमारे बर्गर रेडी हैं जस्ट बर्गर के। इनके बर्गर्स की यूएसपी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो डिफरेंट पार्ट है, दो इट्स ओल्ड बट आजकल कोई नहीं करता, ये इनके बर्गर्स होते हैं, स्टैम्प्ड होते हैं ऊपर पंच जो हैं। स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले बीफ खाते हैं ताकि चिकन जरा ज्यादा फ्लेवरफुल होता है, तो बीफ का फिर बाद में फ्लेवर नहीं आएगा। लेट्स ट्राई इट। क्वालिटी ऑफ बीफ इज गुड, सॉस गर्किन अनियन और बीफ पैटी का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जूसी बीफ पैटीज हैं, वेरी गुड बर्गर। बंस के अंदर बटर चूंकि हमने ऐड किया था तो उसका बड़ा अरोमा, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वेरी गुड। मूविंग टुवर्ड्स द चिकन बर्गर, ये जरा थोड़ा सॉसी और स्पाइसी बन है, तो ये ट्राई करते हैं। जालापेनोज हनी का स्वीट एंड स्पाइसी का कॉम्बिनेशन, आई गेस दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टीम पे भी प्ले अराउंड करने के लिए, और चिकन बर्गर का साथ चीज है, गुड बर्गर। करते हैं मूव इनके पिज्जा की तरफ, ये जो न्यूली लॉन्च है, ये इन्होंने दो जो है हाफ टन की हुई थी पहले से, इसको बेस में इसके सॉस थोड़ी सी लगी हुई है,
तो इसकी बाकी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इनकी बेस सॉस है मजीद, ये हम इसको सारे पिज्जा के बेस के ऊपर लगाते हैं। डिवाइड हो गई है सारे एंड्स तक। तो ये जी मोज़रेला श्रेडेड चीज है, ये ऊपर टॉप करते हैं। सबसे पहले एंड्स पे थोड़ा सा लगा लेते हैं। ये होगा कि जब पिज्जा बेक हो रहा होगा तो चीज नीचे ना उसके साथ लग जाए, तो इसलिए हमने साइडों पे पहले ही रख लिया ताकि हम बीच में बाद में स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से चीज जो है वो सारे पिज्जे के ऊपर स्प्रेड कर दिए। क्योंकि हमने एक ही पिज्जा में चारों फ्लेवर ट्राई करने हैं, तो हम इसकी थोड़ी सी पार्टीशनिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे फ्लेवर जो हैं वो चारों कहाँ कहाँ आने हैं। एक फ्लेवर एंकर बटर चिकन, तो हम ये बटर चिकन हम ऐड करते हैं। इसके ऊपर हम एलापिनोज ऐड करते हैं, अनियन ऐड कर देते हैं थोड़े से, कैप्सिकम ऐड कर देते हैं। दूसरा फ्लेवर है जी बीफ पेपरोनी एलापिनो, वो बना लिए। तो ये जो पेपरोनी के स्लाइस एलापिनो ऐड करते हैं। अब हम बनाते हैं गोरमे वेजी फ्लेवर। इसके अंदर हमने ये देखिए इन्होंने पहले से मिक्स बनाया हुआ है, शिमला है इसके अंदर, प्याज है, बैंगन है, तो ये हम ऐड करते हैं इसके ऊपर। हम अपने पिज्जा को पिज्जा ओवन के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए जी ये मौत का कुआं है और ये अंदर बीच में हमारा पिज्जा चला गया, थोड़ा सा हिल गया। बंद करते हैं, अब इसको टाइमर ऑन कर देते हैं। ये देखिए 7.5 से 8 मिनट है ये सब पिज्जा जी। हम मूव करते हैं डंपिंग बनाने की तरह, की डंपिंग जिन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखे होते हैं, इनको सिर्फ स्टीम करना होता है 10 से 15 मिनट के लिए और ये रेडी हो जाते हैं। ये इनका स्टीमर है। 6 डंपिंग 1, 2 एंड 6 इसको हम बंद कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और अंदर स्टीम बन के ये खुद ही तैयार हो जाएंगे। तो जी हमारे डंपलिंग रेडी हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको वापस ट्रे के ऊपर लेके आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, ये स्टीम से कुक किए गए हैं। दो तरह के वैसे डंपलिंग होते हैं, फ्राइड डंपलिंग भी होते हैं, आजकल मार्केट में मौजूद है, लेकिन दीज आर द स्टीम वन जो एक्चुअल में जिन्हें मोमोज कहा जाता है और ये नॉर्दर्न एरियाज की एक बड़ी मशहूर डिश है। पिज्जा हमारा रेडी हो गया, तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ये हमने इसका दरवाजा खोला और इसको अब हम इधर ले आते हैं। ये जी हम पिज्जा ट्रे पे ले आते हैं। तो जी अब हम इसके स्लाइसेस करते हैं और अब अगला फ्लेवर। तीन किस्म की आवाज आ रही है जिससे पता लग रहा है कि डो जो है वो प्रॉपर कुक हो चुकी है। अब हम इसकी टॉपिंग ऐड करते हैं। बटर चिकन के ऊपर ये बटर सॉस है, ये थोड़ी सी ऐड करते हैं। प्रॉनी एलापिनो के ऊपर हम ये स्वीट सॉस ऐड करेंगे विच इज हॉट सराचा। गुरमे वेजी के ऊपर ये हम क्रीमी सॉस ऐड करते हैं। फ्लेवर था जिसके हमने टॉपिंग नहीं की थी, दिस इज मैरिनारा, इसके ऊपर हम दोबारा ये टोमेटो सॉस ऐड करते हैं। और ये हमारे पास बेजल लीफ है, ये हम एक एक लीफ प्लेस कर देते हैं ताकि जरा इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। सबसे पहले डंपलिंग्स ट्राई करते हैं। ये हमारी डंपलिंग्स हैं, इसको हम इस स्पाइसी वाली सॉस में डिप करके देखते हैं। वेरी गुड सॉस, अच्छी फिलिंग है। तो ये सोया के अंदर ऐड करते हैं, जो लेयर है वो सही बनी हुई है, फिलिंग्स अच्छी है, गुड डंपलिंग्स। पिज्जा की तरफ मूव करते हैं हम। टोमेटो सॉस जो है बेस सॉस अच्छी है, वही ऊपर टॉप हुई है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द पिज्जा इज जो पिज्जा की डो है ना वो बहुत ज्यादा क्रंची है, डो है वेरी गुड, वाजंट एक्सपेक्टिंग इस तरह की डो होगी, मजे की डो है और बेस सॉस भी बड़ी अच्छी है। गुरमे को ट्राई करते हैं। चीज पुल भी है कि जो ऊपर सॉस बनाई हुई है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको मजे की चीज सुनाता हूँ, आप ये मेरे पास लाए और क्रंच की आवाज सुने, क्या बात है, वेरी गुड क्रंच, वेरी क्रंची और वेरी फ्लेवरफुल पिज्जा। द वर्ड एलापिनो बीफ पेपरोनी बाद में सिराचा सॉस है, ये स्वीट स्पाइसी विद बीफ क्रंच गेम है ना असल पिज्जा के अंदर, डो और बेस सॉस की, वो दोनों बड़ी परफेक्ट हैं, चीज बहुत अच्छा है। गेम तो पिज्जा की ऑलरेडी उठ चुकी है, ऊपर पे फ्लेवर है वो हर बंदे की अपनी अपनी है उसके मुताबिक होते हैं। बटर चिकन भी ट्राई करते हैं। चिकन है उसमें ऑलरेडी बटर का फ्लेवर एडेड है, हमने ऊपर सॉस भी टॉप की थी, बाद में अलग पीनोज हैं।
आपको एक बात बता दूं, मुझे इस ब्रांड की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये उस टाइम का यहाँ पे मौजूद है, आज से कोई आई गेस 7-8 साल पहले CSD भी नहीं ऐसा होता था, पुराने वाला CSD होता था, एक गली होती थी, गली के अंदर ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था छोटी सी शॉप से। इसके ऑनर है, मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इन्होंने इस ब्रांड के लिए स्ट्रगल किया है। इधर ये सड़क टूटी हुई थी, अभी रिसेंटली ये सड़क बनी है, बड़ा मुश्किल टाइम देखा है, बट मुझे लगता है इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि आज का फल इनको मिल रहा है। एक ब्रांड से स्टार्ट हुआ समोसा, जिसमें से समोसा होते थे उसमें आप देखें बर्गर ऐड हो गए, प्लेटर्स ऐड हो गए, डिजर्ट ऐड हो गया, फिर बीफ इन्होंने बर्गर ऐड कर लिया, फिर डम्पलिंग ऐड कर लिया, पिज्जा ऐड। मुझे लगता है कि ये स्टॉप सोल्यूशन है ये जगह, और खाना इतना परफेक्शन पे है, हर चीज बड़ी डेडिकेटेडली बनी हुई है, आपको हर तरह की वैरायटी मिलती है। चार दोस्त जा रहे हैं, कोई कुछ खाना चाहता है, कोई कुछ खाना चाहता है, तो सबकी नीड्स कोई पूरा करता है। तो मुझे लगता है कि ये जगह अब जेम है फॉर लाहौरी। माय साइड प्लेस इज रिकमेंडेड, जो लोग USP ट्राई करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, एक ही जगह पे चार पांच कुजींस, चार पांच चस्के लेना चाहते हैं, तो उनकी उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है, और ये CST के बिल्कुल साथ लोकेटेड है। ट्राई दिस आउट। जी आज हमने बहुत सारी चीजें बना ली, बहुत सारी चीजें खा ली एक ही रेस्टोरेंट के अंदर, चार डिफरेंट पार्ट्स थे, पिज्जा था, बर्गर्स थे, आर्ट्स वाला सेक्शन था, स्टार्टर्स वाला, फिर चाइनीज के लिए डम्पलिंग्स वाला सीन था। तो आई गेस आप लोगों को मजा आया होगा, और आज का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया जगह का। मेरी तरफ से दिस प्लेस इज रिकमेंडेड, आप लोग जरूर आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये ना ये जगह डिजर्व करती है कि लोग इस ट्राई करें और इसको खाएं और इसको प्रमोट करें। तो आई गेस आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। सी यू, अल्लाह हाफिज़।